Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. As you know कि festive season शुरू हो गया है. पहले रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, मतलब त्योहारों की तो लड़ी सी लगने वाली है. एंड अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन के लिए अपनी स्किन को प्रेप करना चाहते हो तो पूजा लूथरा चैनल से बेहतर और कोई जगह हो नहीं सकती, बिकॉज इस पूरे के पूरे फेस्टिव सीजन में मैं आपके साथ ग्रेट हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ बेहतर स्किन पाने की, बेहतर अपनी ब्यूटी को निखारने की. तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, एंड आपको पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, सैलून का खर्चा तो बचेगा ही बचेगा. तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. वेल, एज यू नो कि रक्षाबंधन आने वाला है, उसी के लिए आज मैं अपना पहला फेस्टिव हैक लेकर के आई हूँ जो कि आपकी स्किन को निखारेगा, संवारेगा और बहुत ही बेहतरीन बनाएगा. वेल, इसके लिए कोई मार्केट के इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं चाहिए. सिंपल घर में जो आपकी किचन में इंग्रेडिएंट्स हैं वही हम यूज़ करेंगे एंड आपकी स्किन लश्कारे मारेगी, लाइटें मारेगी. मैंने अभी अभी ये पैक लगाया था, मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है एंड यू कैन सी द ग्लो. सिर्फ मैंने आईलाइनर और लिपस्टिक लगाई हुई है, कोई मेकअप नहीं है मेरे फेस पर और फेस बहुत ही ब्यूटिफुल चमक रहा है. तो ऐसा आपका भी चमकेगा, बस इस पैक को लगा लेना. करना क्या है, सबसे पहले फेस की क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है तो उसको बिल्कुल नहीं भूलना है. आपको क्या करना है, आपको लेना है दूध 3 से 4 चम्मच, रॉ हो तो रॉ ले लेना, नहीं तो फिर बॉईल किया हुआ है तो ठंडा करके उसको, और उसमें आपने 3 से 4 ड्रॉप्स नींबू डालना है. नींबू का रस और ये जो दूध का मिक्सचर है ना, ये लैक्टिक एसिड एक्टिवेट कर देता है दूध का, और जिससे कि आपके फेस की डीप क्लेंजिंग हो जाती है. बिल्कुल सैलून में, पार्लर में जाके जैसे आप क्लेंजिंग कराते हो, डीप क्लीनिंग कराते हो, वैसे वाला इफेक्ट आता है. तो बस इस पेस्ट को आपने अपने फेस पर लगाना है और 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है. उसके बाद गीले टॉवल से या फिर कॉटन बॉल से अपने चेहरे को पोंछ लीजिएगा. आपका फेस जो है वो इस पैक के लिए तैयार है जो हम अभी बनाने वाले हैं. पैक को बनाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं करना, आई एम श्योर सारे इंग्रेडिएंट आपके घर पर होंगे. आपको लेनी है बीट रूट. बीट रूट का सीजन आ गया है और बीट रूट खाइए, बीट रूट लगाइए. ये आपकी स्किन से पिगमेंटेशन मार्क्स को दूर करती है, बिकॉज इसमें AHA BHAs होते हैं. जो कि महंगी महंगी क्रीम्स आप लाते हो मार्केट से, उनमें जो पोषक तत्व होते हैं आपकी स्किन को निखारने के लिए वो बीट रूट में होते हैं. तो बिल्कुल इसको खाइए भी और अपनी स्किन पर लगाइए भी. तो आधा बीटरूट मैंने लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है. इसमें आप ऐड करेंगे 1 पीस या तो एप्पल का या फिर आधा टमाटर, जो भी आपके घर में अवेलेबल है इस टाइम पर. एप्पल है तो एप्पल डाल लेना, टमाटो है तो टमाटो डाल लेना, आधा टमाटर या 1 पीस एप्पल का वो डालोगे. एंड इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्सी में डाल के पीस लोगे, एक महीन पेस्ट बना लोगे. राइट, तो ये पेस्ट हमारा बन गया. इसमें आपको ऐड करना है नींबू की कुछ बूंदें. कितनी, 5 से 6 बूंदें. अगर नींबू सूट नहीं करता है तो आप स्किप करोगे. पहले वाले क्लेंजिंग वाले स्टेप में भी आप स्किप कर सकते हो नींबू को, अगर नींबू सूट नहीं करता है आपको. राइट, तो नींबू क्योंकि विटामिन सी का सोर्स होता है तो स्किन ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, डालोगे तो अच्छा इफेक्ट आता है. नींबू ऐड किया, उसके बाद आप इसमें ऐड करोगे 2 चम्मच कर्ड. कर्ड घर की हो और जितनी खट्टी हो उतना अच्छा है. ठीक है, खट्टी कर्ड क्या करती है, आपके पिगमेंटेशन मार्क्स को, एज स्पॉट्स को रिड्यूस करती है, साथ ही साथ स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन कर देती है और बहुत अच्छा सा ग्लो लेकर के आती है. तो कर्ड डालेंगे 2 चम्मच. देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन. बेसन घर का पिसा हो तो बहुत अच्छा है, मार्केट वाला है तो भी चलेगा. तो 1 चम्मच बेसन मैंने इसमें ऐड कर दिया है. अब आता है मेरा स्टार इंग्रेडिएंट, वो है सौंफ का पाउडर. सौंफ का पाउडर आपकी स्किन के लिए टोनर का काम करता है. सौंफ का पाउडर ग्लो को निखारता है, सौंफ का पाउडर टैन को भी दूर करता है, और सौंफ के पाउडर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है. तो सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे कितना, 1/2 चम्मच. इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अच्छा, इस पैक को लगाने का एक खास तरीका है, वैसे ही लगाइएगा. अभी रेमेडी जान के वीडियो बंद मत कर देना, तो जैसे मैं बताऊं वैसे ही आपको अप्लाई करना है. आपको क्या करना है, इस पैक की थोड़ी क्वांटिटी अपने हाथ में लेनी है, पहले अच्छे से अपने फेस पर मसाज करनी है, क्योंकि ये 2-in-1 पैक है. ये स्क्रब का भी काम करेगा और आपके फेस पर निखार भी लाएगा, एज अ पैक भी इसे यूज करेंगे बाद में. तो पहले इस पैक से आपको स्क्रबिंग करनी है.
रबिंग के लिए क्या किया, थोड़ा सा पैक लिया और अपने फेस पर अच्छे से रब किया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आपने नोज़ के आसपास और अपनी चिन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, बिकॉज यहाँ पर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, जो कि आपके फेस पर चांद पर दाग की तरह से दिखते हैं, तो इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है और ये पैक बहुत अच्छे से रिमूव कर देगा। तो ये आपने 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक आपने मसाज कर ली, उसके बाद इस पैक को हटा देना है। और इसके बाद आप ये पैक की नई लेयर लगाएंगे, एक थिक लेयर अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया, अब आप 15 से 20 मिनट का वेट करेंगे। 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद आप इसे उतारेंगे। कैसे उतारेंगे, कैसे रिमूव करेंगे वो भी ध्यान से देख लीजिए। आपको मिल्क लेना है थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच, और उसमें कॉटन बॉल डिप करनी है। कॉटन बॉल से रब करते 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 इसे फेस से रिमूव करेंगे, ठीक है। और अच्छे से जब रिमूव हो जाए उसके बाद पानी से अपने चेहरे को धो लेंगे। ग्लो तो आना ही है, भर भर के आना है, आप देख पा रहे हो मेरी स्किन पर। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, स्किन को बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देना है। स्किन पर आप अपनी कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएंगे या एलोवेरा जेल लगा लेंगे या कोई सीरम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस पैक को लगाने के बाद स्किन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बस कुछ ना कुछ अप्लाई कर लेंगे ताकि जो मॉइस्चर, जो ग्लो हमारे फेस पर आया वो रिटेन हो सके। तो रक्षाबंधन पर उससे पहले या उसी दिन अगर आप ये पैक लगाते हैं और उसके बाद आप तैयार होते हैं तो आपके फेस का ग्लो देखते ही बनेगा। सब पूछने वाले हैं कि क्या किया है, कौन सा फेशियल कराया है, स्किन बहुत ही ग्लो कर रही है। तो ज़रूर इसको ट्राई करना, आपने अमेजिंग रिजल्ट्स देता है ये पहली बार में ही। और वीडियो पसंद आए, ग्लो आ जाए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अभी तक लाइक भी कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का पेज है पूजा लूथरा ऑफिशियल, वहाँ मैं छोटी छोटी रील्स और पोस्ट डालती रहती हूँ, तो उनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई क्वेरी हो या ब्यूटी से या हेयर से, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हो, मैं आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो इस फेस्टिव सीजन में अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ ही बांटिएगा, क्योंकि जब हम खुशियाँ बांटते हैं तो एक अलग सा ग्लो, एक अलग सी ब्राइटनेस हमारे फेस पर आती है जो शायद रेमेडीज भी नहीं ला सकती हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए, साथ ही नींद पूरी लीजिए और स्ट्रेस से कोसों दूर रहिए ताकि आपको मिल सके एक ब्यूटिफुल स्किन। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।